नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। तेरे दमन में कितना देखा है हम देखेंगे, जगह है कितनी जेल में तेरे देखा है हम देखेंगे। जब तक जेल में चला रहेगा, आना जाना लगा रहेगा। लगभग 3 दिन से आप देख रहे हैं हमारे सामने ये अनशन पे बैठे हुए हैं, आमरण अनशन पे। आमरण अनशन का नाम लेते ही अगर इस बात को एहसास कर लें, आमरण अनशन का मतलब ही होता है कि लगातार बैठे रहना, सब कुछ खाना पीना सब छोड़कर। और ये जज्बा होगा, ये कितनी मुसीबतें आती हैं इस अनशन को करने की। इनकी शुरुआत जो है यहाँ अहिंसा के पुजारी बापूजी सामने हैं, उनके पूज्य हैं, जिनको सामने रखकर इन्होंने अपना अनशन शुरू किया है। लेकिन बात सिर्फ ये है कि आज 3 दिन गए हैं, इलाहाबाद विश्वविद्यालय प्रशासन, यहाँ के प्रॉक्टर, यहाँ के जो कुलपति हैं, उनके पर अभी तक जू नहीं रेंगी है। दिक्कतें हैं, बच्चे हैं, और बीच में बच्चों ने या छात्रों ने बताया कि उन्हें जबरियन उठाने की कोशिश की गई। रात के अंधेरे में इन पर प्रशासनिक रूप से दबाव बनाकर इनको घसीटा गया, इन्हें उठाया गया, लेकिन इनकी संख्या जो थी वो काफ़ी ज़्यादा थी, जिसकी वजह से ये सफलता नहीं मिली विश्वविद्यालय प्रशासन को। लेकिन अनशन 3 दिन देर से चल रहा है, यह अपने आप में एक लाजमी सवाल है कि जो 3 दिन से अनशनरत हो उनकी स्थिति क्या होगी। इसमें से कुछ लोगों की तबीयत भी खराब है, हालांकि इनका स्वास्थ्य परीक्षण किया जा रहा है। तो सबसे पहले आप मुद्दे बता दें कि आपने, तीसरा दिन है, आप भी आमरण अनशन के साथ हैं? जी जरूर, स्टूडेंट्स हैं और ये हमारे लिए, हमारे हित के लिए। आप इनके सहयोग में आए हैं आमरण संघ जी, आपके साथ साथ ही बैठे हुए हैं। जी जी, तो अनवरत रूप से आप साथ जुड़े हुए हैं हमेशा की? हाँ, साथ में है इनकी। बहुत से लोग हैं जो कुछ तो आमरण अनशन में हैं, इनकी संख्या लगभग कितने लोग, आप लोग आमरण अनशन में हैं? 5 लोग बैठे हुए हैं, 5 लोग और यहाँ पर हमेशा सैकड़ों की तादाद में छात्र एकत्रित रहते हैं, और रात को तो लगभग यहाँ पर 500,000 की तादाद में छात्र इकट्ठे हो जाते हैं। आप तीसरा दिन है? जी जी, आज तीसरा दिन है। लगभग पिछले 2 महीनों से इस फीस वृद्धि को लेकर हम लोग अनशन पर बैठे हुए हैं, और आज तो ये शुगर इनका भी बहुत लो हो गया है। अभिषेक यादव है, उनका शुगर बहुत लो हो गया है, और बुखार भी है थोड़ा। यहाँ पर कोई भी जितने आमरण अनशन पर बैठे हैं, यहाँ पे कौन सा कोर्स कर रहे हैं? हमारा ग्रेजुएशन हो चुका है, मैं पीजी में एडमिशन, हाँ एडमिशन लेना है। तो मैं यही बता देना चाहता हूँ, पिछले 25 महीनों से छात्र संघ बहाली को लेकर भी यहाँ पर छात्र लगातार आंदोलन पर बैठे हैं, और बीसी महोदय यहाँ तक आज तक झांकने तक नहीं आई। तो इनसे मैं यही कहना चाहता हूँ कि कोई भी इलाहाबाद विश्वविद्यालय के, क्या कोई छात्र, एक नौजवान किसान लड़का, वो पढ़ नहीं सकता? क्या कोई नौकरी नहीं कर सकता? कोई विधायक संसद में, क्या अगर कोई भी, ये जानते हैं कि कोई भी अगर यहाँ का छात्र पढ़ेगा और वो कोई भी नेतागिरी करना चाहता है तो वो करेगा, क्योंकि आज संसद में पहुँचेगा तो अपनी बातों को मजबूती से उठाएगा। ये लोग नहीं चाहते हैं कि, ये लोग हमेशा यही चाहते हैं कि अंडानी अंबानी के लड़के आए यहाँ, अमीर के लड़के पढ़े, गरीब के लड़के को यहाँ से भगाया जाने की कोशिश की जा रही है। जैसे बता रहे हैं कि लगभग 2 साल से क्रमिक अनशन चल रहा था, अब इसमें फीस वृद्धि भी एक मुद्दा बना, तो अब इनको आमरण अनशन पे आना पड़ा। जी, हम लोग फीस वृद्धि के खिलाफ आमरण अनशन पे बैठ चुके हैं। बीसी महोदय का हम लोग लगातार ज्ञापन के माध्यम से बताने का कार्य करते थे कि जो आपने फीस वृद्धि किया है, गरीब छात्रों, छात्राओं से पढ़ाई से वंचित करने के लिए कार्य किया है, उसको वापस कर लीजिए, नहीं तो हम लोग आमरण अनशन में बैठने के लिए बाध्य होंगे। फिर भी ये नहीं मान रही थी। हम लोग 2 महीने तक संघर्ष कर रहे, 2 महीने तक ज्ञापन के माध्यम से ये सब बताने का कार्य कर रहे थे। जब वो नहीं मानी, हम लोगों ने आखिरी फैसला लिया है आमरण अनशन का, और ये हमारे आमरण अनशन का 3 दिन हो चुके हैं, और हम लोग बिना कुछ खाए पिए ये अपने पेट की अटड़िया को निचोड़ रहे हैं। जहाँ गरीब कमजोर परिवार के छात्र पढ़ते हैं, ठेला खुंचा वाले के भी छात्र इंट्रेंस निकाल के पढ़ते हैं, तो इसमें सबसे ज़्यादा प्रभावित शिक्षा हमारी बहनों की शिक्षा होगी, क्योंकि ये सरकार नारा देती है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। तो इससे ये होगा कि जो परिवार में 3 से 4 बच्चे हैं, अगर 2 बेटियाँ हैं 2 बेटे हैं, तो वो लोग, ऐसी परिस्थितियाँ सबके पास नहीं है, इतने पैसे नहीं है, इतने इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, तो वो लोग बेटों को प्रेफरेंस करेंगे लड़कों को पढ़ाने के लिए। इससे छात्राओं की शिक्षा प्रभावित होगी, तो इस पर कहीं ना कहीं सरकार को विचार करना चाहिए और जल्द से जल्द फीस वृद्धि को वापस लेना चाहिए। अपना परिचय बता दीजिए। आकाश यादव, छात्र नेता, इलाहाबाद।